हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मैक बैक अगेन विथ अनदर व्लॉग। सो गाइस, बहुत दिनों बाद आज व्लॉग आया है, क्योंकि देखो क्या होता था कि एग्ज़ाम्स थे तो उसमें बहुत कम टाइम मिलता था, क्योंकि यार व्लॉग में पूरे दिन मेहनत करना पड़ता है, तो एग्ज़ाम तो टाइम बहुत कम मिलता था। ऊपर से एग्ज़ाम्स की प्रेशर में ये जो बदलते हुए मौसम थी उसकी वजह से मुझे हो गया कोल्ड। हाँ, तो कोल्ड हो गया, अब कोरोना नहीं है, कोरोना एक बार हो चुका है, दूसरी बार नहीं होगा, तो कोल्ड है। सो यही था, इसी कारण से वीडियोस नहीं आ रहे थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात ये है कि आज है तीज, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, शायद आपको एक दिन बाद ये वीडियो मिला या फिर शायद दो दिन बाद मिला, बट आज है तीज, तीज की पूजा है आज। तो जो लोग भी तीज की पूजा करते हैं, मुझे नहीं पता कौन करते हैं, उन सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी तीज। आप सभी तीज की पूजा अच्छे से कर लीजिएगा। तो हमारे घर में भी पूजा होती है, मेरी मम्मी करती है ऑब्वियसली, तो हम आपको क्लिप्स दिखाएंगे, तो हम दिखाएंगे कि हमारे यहाँ किस तरीके से तीज पूजा होता है। सो गाइस, मोस्ट ऑफ यू को पता होगा कि मैं बिहार से हूँ। ट्रैक्टर आ जाओ पहले। सो गाइस, मोस्ट ऑफ यू को पता ही होगा, मोस्ट ऑफ मेरे व्यूअर्स को, कि मैं बिहार से हूँ, और जिन लोगों को नहीं पता तो हाँ मैं बिहार से हूँ, और आज आपको देखने को मिला है कि तीज पूजा बिहार में कैसे होती है। ये ब्लॉग मतलब एंटरटेनिंग रहेगा। सो गाइस, कुछ वैसा सा सेटअप किया है मम्मी पापा ने, तो हमारे घर में डेडिकेटेड एक पूजा का रूम है, बट उस रूम में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये पूजा कुछ मतलब जो रूम किसी डायरेक्शन में, मतलब ऐसा है कुछ रीति रिवाज, डायरेक्शन वायरेक्शन मुझे नहीं पता इसके बारे में, अगर पूछ के बता दूंगा। तो यही है कि वो रूम एकदम सही डायरेक्शन में, तो उसी रूम में हमारा गृह प्रवेश भी हुआ था। सो अभी तो उधर फोटोशूट चल रहा था, तो मैंने एक सेकंड का क्लिप ले लिया। तो अब डायरेक्ट चलेगा पूजा पर, ठीक है? अब पक्का पक्का। रुको जरा, क्योंकि सांस भी कभी। गाइस, अभी पूजा ख़त्म हो चुकी है, मैंने बहुत कम शूट किया एक्चुअली पूजा का, सिर्फ 5 से 10% दिखाया, शुरुआत का थोड़ा दिखाया, और लास्ट में आरती दिखा दिया जो पूरे घर में, बीच में कोई कथा पढ़ा जाता है वो भी नहीं दिखाया मैंने। और ये पूजा करने के लिए आपको पूरे दिन भूखा रहना पड़ता है, इवन पानी भी नहीं पीना पड़ता है। तो मुझ जैसे फूडी के लिए तो सोचना ही एकदम, मेरे सोच के ही बाहर है ये सब करना। तो अभी पूजा वूजा हो चुका, अब शायद हम खाएंगे, उनका पता नहीं, हम खाएंगे पियेंगे और फिर सो जाएंगे। तो अब आपको मिलते हैं कल, कल के ब्लॉग में, मतलब ये ब्लॉग कंटिन्यू होगा कल भी, तो अब आपको मिलते हैं कल सुबह। सो गाइस, ये है दो दिन बाद वाला मयंक, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, और मैं सोचो इसी व्लॉग पे जो इसके पहले तीज वाला पार्ट आएगा तीज पूजा का, उसे एडिट कर लेता हूँ। तो अभी तो मम्मी पापा घर से बाहर गए हुए कुछ काम से, मैं और दीदी घर पे, दीदी अपना पढ़ रही है, और मैं वीडियो एडिट कर लेता हूँ तब तक, और अब आपको वीडियो एडिटिंग के बाद मिलता है। सो गाइस, अभी व्लॉग का फर्स्ट पार्ट एडिट हो चुका है,
और बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है। आपको दिख तो नहीं रहा होगा बट सुनाई ज़रूर पड़ रहा होगा। तो यही है, अभी वो एक्सपोर्ट हो रहा है तो एक्सपोर्ट होने के बाद आपसे बात करते हैं। तो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 8:15 और मैं अभी जस्ट ट्यूशन से आया हूँ। आज थोड़ा ट्यूशन लेट से था, 6:30 से था, तो अभी आ चुका हूँ। और ऐसा है कि आज रात में सबको पता है सैटरडे है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, आज सैटरडे है और आज रात में बहुत सारे शोज़ देते हैं, मेरे फेवरेट शोज़ देते हैं, तो उनको देखने के बाद लगभग 12 बज जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि 12 बजे हॉरर चैलेंजेस करने का, वो भी थोड़ा कुछ सबसे फेमस हॉरर चैलेंज करने का। तो पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, देखते क्या होगा इस हॉर चैलेंज में। सारे हॉर चैलेंज हमारे रियल रहते, कोई हम लोचा वोचा नहीं करते। तो गाइस आज का ये व्लॉग यहीं तक रखते, जो 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग था, अच्छा खासा देखा व्लॉग बन गया होगा। बताना कैसा लगा व्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नेक्स्ट हॉरर वीडियो देखने को मिल जाए। और कल भी एक अच्छा व्लॉग आएगा, एक्चुअली कल मैं हॉरर ही वीडियो डालूंगा, हॉरर चैलेंज, परसों एक बढ़िया व्लॉग आएगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगा कल और मैं अपनी इनकंसिस्टेंसी को सुधारने की कोशिश करूंगा। हफ्ते में कम से कम 4 वीडियोस तो डालने की पूरी अपनी कोशिश रहेगी। तो गाइज अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।